जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट का आगाज़ बिलखुसूस अल्लाह के पाक नाम से, इसलिए कि ज़रा उसकी बरकतें, उसका करम, उसका फ़ज़ल शामिल हाल रहे। इस सेगमेंट में हमने पहले रोज़े से ही इस बात को अपना वतीरा बनाया है कि हम आपको ये दिखाएं और ये बताएं कि हमने पिछले बरस या उससे पहले जो नेकी के मेहमान आपसे मिलवाए थे उनकी ज़िंदगी अब कैसी है। आज भी उसी से हम आगाज़ करेंगे और फिर उसके बाद आज के मेहमान से आपको मिलवाएंगे। देखने वालों को याद होगा कि हमने अपने एक प्रोग्राम में एक खूनखार, एक कातिल जाली डीएसपी के चुंगल से बहुत रिस्क लेके हमारी टीम के नुमाइंदे उसकी टीम का हिस्सा बने रहे, जहां उसने फायरिंग भी की और फायरिंग करने के बाद हमारे सामने कई लोगों को ज़ख्मी किया और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था हमारे नुमाइंदों के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जान पर खेलकर हमने रेंजर्स की मदद से उस जाली डीएसपी और उसके चार साथियों को यूनिफॉर्म के अंदर गिरफ्तार करवाया, और जिस वक्त हमने उसे गिरफ्तार करवाया उस वक्त उसके चुंगल से दो मजबूर, लाचार और बेबस लड़कियों को, जिन्हें जंजीरों के साथ बांधा गया था और जो खौफ से लरज रही थीं, उन्हें बाजियाब भी करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक बच्ची को तो हमने लाहौर बखैर आफियत पहुँचा दिया, उसके घर वालों ने उसे गले लगाया। एक बच्ची थी ज़ारा, ज़ारा को जब हम उसके घर लेके गए बूरे वाला, तो उसकी माँ ने, चूँकि उसका बाप फौत हो चुका था इस सारे अरसे के दौरान, उसकी कैद के दौरान, उसकी माँ ने इस डर से कि उसके ससुराली रिश्तेदार उस बच्ची को कबूल नहीं कर रहे थे कि अब इस बच्ची को हम नहीं रख सकते, पता नहीं ये कहाँ से आई है और उसके साथ क्या हुआ है, तो ज़बरदस्ती फुफ्फियों ने धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया था। माँ की मजबूरी ये थी कि माँ के पास और कोई घर नहीं था, वो अपने ससुराल के साथ ही रहती थी और अपने बाकी बच्चों को भी उसको पालना था। तो हमने गुज़श्ता माह रमज़ान में माँ और बेटी को यहाँ इस सेट पर मिलवाया था, और इस तरह से मिलवाया था कि हम आपकी रिहाइश का और आपके रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे, आप अपने ससुराली रिश्तेदारों के रहमो करम पर ना रहें, अपनी बेटी से मिलें, आपका दिल ज़ाहिर माँ का दिल तो था अपनी बेटी से मिलने का। तो इस सारा मैं आपको तनाज़ुर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद आ जाए कि वो वाक़या असल में था क्या। अब ज़रा वो देखिएगा, वो सारे मनाजिर आपको एक बार हम दिखाते हैं पैकेज के अंदर, और फिर जो आखिरी हिस्सा है उसका, उसमें उनका अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़रा पैकेज मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छी खबर मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा, और वो अच्छी खबर ये है कि वही अल्लाह का बंदा, नाम नहीं बताते अपना और ना ही बताने की इजाज़त देते हैं मुझे, लेकिन उनका ये कहना है कि जहाँ ये खातून चाहें और इनके बच्चे चाहें, वहाँ इन्हें एक घर खरीद कर तोहफ़तन दे दिया जाएगा। अभी जनाब आपकी फाइल कागजात घर के, क्या बात है, जबरदस्त। ये तालियां हैं हमारे उन भाई के लिए जो बहुत मदद करते हैं हमेशा, और उनके लिए दुआ की दरख्वास्त भी हम हमेशा करते हैं। तो बदामी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि ये बच्ची आई नहीं है यहाँ पे, तो मैंने कहा ये भी एक अच्छी और खुशी की खबर है। ये घर तो है अब माँ के पास, उनके बाकी बच्चों के पास अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोई भी जाके देख सकता है बुरे वाला के अंदर। बच्ची की अल्लाह ताला के फजल व करम से अब शादी हो गई है, अपने घर वाली है। तो हमने उसे इसलिए यहाँ जहमत नहीं दी कि वो रमज़ान और रोज़े अपने घर वालों के साथ, अपने मियाँ के साथ गुजारे, अपने ससुराल वालों के साथ। तो उसके लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसे नसीब वाली करे और उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। तो ये एक कहानी थी अल्हम्दुलिल्लाह बूरे वाला में उनको एक अच्छा मुनासिब घर, और ये हमने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था। इसके बाद फिर उस घर के अंदर जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, चाहे पंखे चाहिए थे, चाहे फर्नीचर था,
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको मुहैया किया और अब एक बेहतरीन ज़िंदगी ये पूरा ख़ानदान गुजार रहा है आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से। वाह। अब जो हमारे साथ, बजा दीजिए तालियां, बिल्कुल बजा दीजिए। और अगेन ये तालियां उन लोगों के लिए हैं जिनकी वजह से हम इस काबिल हो सकते हैं कि कुछ लोगों की मदद कर सकें। अब एक ख़ानदान जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, ये भी कुछ अजीब व गरीब कहानी है। 3 जवान बेटे हैं एक बेवा माँ के, और पता नहीं क्या इम्तिहान लेता है अल्लाह ताला कि तीनों जवान बेटे माजूर हैं, मुख्तलिफ माजूरियों का शिकार हैं। कुछ कुछ कर सकते हैं और कुछ बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इन तीनों बेटों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? एक ही जितने जवान 3 बच्चे जिस माँ के हों, उसको तो बड़ा हौसला होता है, लेकिन इस केस में मामला ज़रा मुख्तलिफ है। एक पैकेज दिखाते हैं आपको और फिर इस फैमिली से आपकी मुलाकात करवाते हैं। बच्चा ना तीनों ये मजदूर है, और कोई ऐसा नहीं है मेरा, सर अल्लाह की काम है, हमारे कोई भी नहीं है। अब हो तो गया, कमाने वाले तो नहीं है कौन, तुम्हारे अपनी खुशी से दिल से वहीं थे और इसको दे दो। ये अलमिया भी है और कुछ अच्छी चीज़ भी है कि जो मेरे 2 भाई इस वक्त हैं, ये मेहनत मजदूरी भी करते हैं, कोशिश करते हैं जो चीज़ जो काम ये कर सकते हो अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के दुखों के मदावे के लिए वो ज़रूर करें। तीसरे भाई आज इनके इसलिए नहीं आ सके कि वो इनसे ज़रा ज़्यादा ज़हनी तौर पर माजूरी का शिकार हैं और वो अक्सर घर से गायब हो जाते हैं, तो 2 दिन से उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, और फिर इसी तरह कभी कभार वो वापस भी आ जाते हैं। सो अब 2 भाई और उनकी वालिदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमने एक इंतहाई बाइज्जत तरीके से इनको यहाँ मदु किया है, हमेशा हर मेहमान की तरह, और हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई और चीज़ आपसे मांगने से बेहतर ये है कि इनके लिए कुछ ऐसा मांगा जाए कि ये दोनों बच्चे माशाल्लाह कुछ कर सकने की हिम्मत भी रखते हैं, कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई ऐसा निज़ाम इनके पास मौजूद नहीं है कि जिससे ये एक बाइज्जत रोज़गार कमा सकें। तो आज कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि इनके लिए एक अच्छी दुकान का इंतज़ाम हो सके, ये दोनों संभाल सकते हैं कि सौदा भी लेके आ रहे हैं। एक वो बच्चा जो है वो ईंटें उठाता है और मजदूरी भी करता है, और उसके बदले भी उसके पैसे मिल जाते हैं। तो हम इनके लिए एक अच्छी दुकान का या जनरल स्टोर का एहतमाम करें, आपको अगले बरस दिखाएं कि माशाल्लाह वो कारोबार इनका फल रहा है, फैल रहा है और फूल रहा है। उनकी वालिदा से हम बात करते हैं। आप मीन वाले ज़रा सोच लीजिए कि आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अरे आप रो क्यों रही हैं माँ जी, माशाल्लाह बच्चे तो, चलिए अल्लाह की कुदरत है, उसकी कोई मसलहत होती है, लेकिन जवान बेटे हैं माशाल्लाह तीनों आपके। क्या बोले, मैं तो कुछ भी नहीं बोलती, हमारे मजदूर बेटे हैं, 3 बेटे हैं, हमारे कोई भी ऐसा नहीं है। बहुत अफसोस की बात थी। और ये तीनों जाहिर आपकी जिम्मेदारी है, घर में सब काम आपको करना होता है। हमारी जिम्मेदारी इसका बुक हो चुकी है यार, मसला सारे चलते हैं।
और तीन जवान बेटे हो जिस माँ के, लोग तो कहते हैं कि जी माशाल्लाह उस माँ जैसा तो कोई वो, लेकिन अल्लाह ने बस अजीब इम्तिहान में आपको डाल पाक ने ऐसा दिया था। ये था अल्लाह की काम, हमारा काम तो नहीं है बेटा, ये था अल्लाह की काम, हमारे काम तो बिल्कुल ठीक बात है, अल्लाह के ही काम है और उसी की मसले ऐसे किसी का नहीं देते। फिर भी मैं भी खुशी कर अल्लाह शुक्र है, जिंदाबाद मियां ने बेटा दिया था, मैं भी शुक्र अदा करता है। जब बेटे पैदा हुए थे तो माशाल्लाह बड़ा सब खुश होते हैं, एक बेटा दो बेटे माशाल्लाह तीन बेटे अल्लाह ने दिए हों, तब कैसी खुशी थी? ये मेरे को अल्लाह मियां ने दिया, मैं वो इसका खिदमत करते, इसका कपड़ा दिला, इसका चीज भी करते, मैं तो बेटा है ना, अबू तो खोद हो गया, वो तो चले गया ना, तब इसको क्या, मैं बोले तो अल्लाह पाक इसको क्या कुछ दे। तीसरा भाई जो है इनका, तीसरा बेटा आपका, अभी तो तबलीग पे और जाते हैं। अच्छा, अभी भी मारे, अब उसने बोला जाएगा, मेरे को बोला अम्मी मैं तुम्हारे साथ जाएगा, अब तक वो बीमार, उसको चिकने फूलने लगी थी और डॉक्टर के साथ गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारी बहन है लाहौर से है, अस्मा साहिबा, वो बात करना चाह रही हैं। बिल्कुल कॉल दीजिए स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्मा बहन कैसी हैं आप? भाई कैसे हैं आप? आप लोगों की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहिएगा, क्या कीजिएगा इस फैमिली के लिए? भाई इकरार प्लीज, आप मेरा ये नंबर रख ले, मुझे कॉल कीजिएगा प्लीज, मेरा नंबर इनसे ले और मुझे आप खुद कॉल करें। जी मैं आपको बिल्कुल खुद कॉल कर लूंगा, लेकिन इस फैमिली के लिए क्या अनाउंस कीजिएगा आप? हेलो, आवाज नहीं आ रही। जी जी, मैंने कहा मैं बिल्कुल बात कर लूंगा आपसे, रब्ता शायद मुनकता हो गया, लेकिन स्टूडियो का कंट्रोल रूम बता रहा है कि 1,00,000 रुपए इन्होंने अतिया किए हैं माशाल्लाह इस फैमिली के लिए। और बिल्कुल आप नंबर नोट कर लें कंट्रोल रूम, हम खुद भी इनसे रब्ता कर लेंगे और तमाम डिटेल्स। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जो डोनेशन हॉटलाइन है हमारी वो भी ओपन है, अकाउंट नंबर भी आप देख सकते हैं। तो हमें बस बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल 5,00,000 रुपए से एक बहुत अच्छा कारोबार हम इन दोनों बच्चों के लिए कर भी सकते हैं, आपको दिखाएंगे भी। पिछले बरस की सारी चीजें हम आपके सामने एक एक करके रखते चले जा रहे हैं, जो जो वादा किया था अल्लाह ताला ने उसकी उसकी तौफीक से हमें इस काबिल बनाया कि हम उन वादों को पूरा करें और वो आपके सामने रखें भी, आपको दिखाएं भी। इसी तरह इस बरस की चीजें भी, जिंदगी रही अगर और कोई ऐसी चीज ना हो गई जो हमारे इख्तियार से बाहर है, तो हम इंशाल्लाह ये चीजें भी, बल्कि जो क्रेडिट है वो ये कि जो जुनैद भाई अल्लाह ताला की मर्जी थी उनकी जिंदगी ना रही, फिर भी उन्होंने जो वादा एक मेहमान से किया था आपने वो भी कल पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी ये अभी देखा हमने कि ये ईंटें भी उठा रहा था आपका एक बच्चा, उसकी मजदूरी भी कर रहा था, एक बच्चा सौदा वगैरह भी घर का लेके आता है, तो ये दुकान चला सकते हैं, जनरल स्टोर चला सकते हैं, और आप भी जाहिर मौजूद होंगी रहनुमाई के लिए घर में, अगर घर के पास कहीं बना दी जाए, घर में बनाएगा सौदा भी डालेगा। हाँ कोई बात नहीं है, चलेगी बिल्कुल अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चले गए तो ये चलाते दुकान, तो चलाते दुकान चला लेंगे। हमारी जो दुबई की जो बहन है जो जो मुझसे रास्ते में है उनकी तरफ से 50,000 रुपए आप, चलिए माशाल्लाह 1,50,000 रुपए तो हमारे पास हो गए। बस मसलन अब सिर्फ ये होगा कि जितनी भी हम अमाउंट इकट्ठी कर रहे हैं उससे जरा और बेहतर कारोबार हम कर लेंगे, जरा एक बड़े पैमाने पर हो जाएगा, जिसमें जाहिर है इतना भी चूंकि थोड़ा नुकसान का अंदेशा भी हो तो ये मैनेज कर लें, उससे निकल आए और फिर अपना काम चला सकते हो। बात वगैरह कर सकते हैं इसे या नहीं ज़्यादा? अच्छा चलिए ठीक है। जूता का, जूता का, शफल का, कौन देते तो उसको बनाएगा, तो कौन नहीं देते क्या करेगा? कोई देता है तो ये जूते रमजान में पहनते हैं और कपड़े पहनते हैं। ईद का कोई इंतजाम है आपके पास? नहीं है, किधर है हमारे पास, किधर है इंतजाम, किधर है हमारे कोई इंतजाम, कोई भी नहीं। रोजे वगैरह कैसे गुजरते हैं रमजान के? हमारे ये हमारे को लोग देते हैं, तीन बेटे हैं माशाल्लाह, जवान बेटे हैं और लोग देते हैं तो आप खाना खाते हैं? हाँ, इसलिए माधुर है, कौन कमाते है, कमाने वाला कोई इनमें से बात करता है कोई है? बात कर सकते हैं इनमें से? हाँ। दोनों बात करते हैं? हाँ, तो इसको बोलो। अच्छा आइए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? आप भी सही है। आपको दुकान खोल दें तो चला लेंगे दोनों मिलके, जनरल स्टोर चल जाएगा? अच्छा मुझे बताएं कि चीनी कितने रुपए किलो है? चीनी ये नहीं पता यार, ये आपको पता है? क्या पूछ रहे हैं? इनको पता है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हेल्प कर रही हूँ। हाँ जी
क्या बता रहे हैं, क्या कितनी बताई है? कहती है 80 रुपए किलो चीनी। यही बताया उन्होंने। हाँ। भजन पता सब है उन्हें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुकान से -10 नहीं हो सकता। -10 नहीं होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इब्राहिम भाई ने भी एक कॉल किया, कहाँ से जरा शहर में दोबारा बता दीजिएगा। इब्राहिम भाई ने भी 50,000 रुपए लाहौर से, इब्राहिम भाई ने 50,000 रुपए कटाए। थैंक यू सर। मैं फिर ये कहूँगा कि पता नहीं बाज़ोकात ये होता है कि हम जब ज़ख्म दिखाते हैं, हम जब बच्चों को यहाँ लेके आते हैं, हर तरह की हर एक की तकलीफ़ अपनी जगह, उसका अंदाज़ा आप और हम शायद ही कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही एक अजीब बात है। एक माँ, एक बेवा माँ, उसके 3 बेटे, 3 जवान बेटे और तीनों से अल्लाह इम्तिहान ले रहा है उनको एक अजीब तरह की माजूरी देकर। लेकिन शुक्र ये है कम अज़ कम ज़हनी तौर पर ये दोनों बच्चे, ये दोनों भाई हमारे इस काबिल हैं कि सारे काम कर लेते हैं और अल्लाह का लाख शुक्र कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इनके लिए कुछ कर सकें। और इंशाल्लाह अज़ीज़ हिम्मत की बात अगले साल देखें हम तो इनका राशन भी खुद चल रहा हो, इनके कपड़े जूते भी खुद अपने कारोबार से चला रहे हों। और कौन साहब है, बात हो सकती है उनसे? अच्छा जी, जुनेद साहब हैं जी लाहौर से। अच्छा, और उन्होंने भी इन भाइयों के लिए 2 लाख रुपए अतिया करने का ऐलान किया। तो हम 4 लाख रुपए पहुंच गए माशाल्लाह से, 4 लाख रुपए माशाल्लाह। और देखिए मेरा ख्याल इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। वो लोग जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, एक तो ये ना कि जी हम इनको दे दें और इनको फिर तो फैलिए बना दें कि ये लगे रहें उस काम के ऊपर और एक तरह से भीख पे या खुदा ना खाफ्ता खैरात भी अपनी ज़िंदगी चलाते रहें। सिर्फ मदद कर दें हम एक बार और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को खुद आगे बढ़ाएं, तो ये मेरा ख्याल है हम सबका फ़र्ज़ है इस तरह के किसी भी आदमी को ज़्यादा सपोर्ट करना कि जो काम करना चाहता है, जो काम कर सकता है, हम उसकी मदद करें और फिर वो अपने सिलसिले को आगे बढ़ाए। जिस्मानी हवाले से प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अगर वो इतने बाज़म है तो फिर बहुत बड़ी बात जी। मजदूरी करते हैं, जो कर सकते हैं बेचारे करते हैं और जितना हो सकता है आप अंदाजा। अभी मुझे अपने तौर पे लगता है कि ये मतलब लोग हमें कह रहे होते हैं आप बड़े, यानी ये मुझे तो हर लिहाज से मुझसे ज्यादा बाहिम्मत लोग हैं भाई। जी जी माशाल्लाह। और एक दो इनमें से शादीशुदा भी है। अरे वाह वाह, ये देखें हंस भी रहे हैं इस बात पे। वाह वाह, इसमें हंसने की क्या बात। और भाई शादी के बाद तो लोग रोते हुए नजर आते हैं, आप हंस रहे हैं। तो माशाल्लाह समझदारी और हर चीज पूरी है, सब सब है, बस अल्लाह ने हाथों पैरों का कुछ एक सिलसिला और बोलने की सख्त उस तरह से नहीं दी है। अगले साल आपके सामने हम इनकी चलती हुई दुकान इंशाल्लाह दिखाएंगे और देखिएगा ये किस तरह वहां से, मुझे यकीन है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। तो 4 लाख रुपए हुए। बंदा खुदा जो हमेशा हिम्मत बंधाते हैं हमारी और हम आपसे उनके उनके बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी सब नेक हाजात के लिए दुआ करने की दरख्वास्त करते हैं। एक बार आप सब दरख्वास्त कर दीजिएगा, टीवी के सामने बैठे हुए लोग भी। तो उन्होंने मुझे शुरू में ये कह दिया था कि जितने पैसे ना हो सकें क्या बात है वो आप मेरी तरफ से डाल लीजिएगा। तो 4 लाख रुपए हो गए, हमने 5 लाख का एक बजट बनाया था और वो एक एक रुपया इंशाल्लाह अज़ीज़ जिम्मेदारी के साथ इनके काम पर लग जाएगा। तो 1 लाख रुपया हमने उनसे ले लिया, तो 5 लाख रुपये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन 3 भाइयों के लिए हमने कोई मदद नहीं की है, कोई खैरात नहीं दी है, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इनके कारोबार के लिए इनकी बस एक भाइयों के तौर पे मुआवनत की है। जी हाँ इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। और मैं देखिए ये बात मैं कहता नहीं हूँ बार बार इसलिए कि शायद ये तासुर ना जाए कि जनाब इसी नेटवर्क पर है और दोस्ती आ रही है इसके बाद। और मुझे यकीन है कि जिस भी नेटवर्क पर जो भी काम कर रहा है हर सब बहुत अपने दिल से ही कर रहे हैं। और मुझे इकरार की भी अच्छी लगी कि जब भी अगर किसी और ने किसी नेटवर्क के हवाले तनकीद की भी या किसी और एनजीओ के हवाले से तो उन्होंने यही कहा है कि भाई हमें यकीन है सब अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल और ये फैक्ट हमें बात दिल से कहते हैं कि हम यहाँ कार्य खैर करने बैठे हैं, हमें कोई हक नहीं है कि बाकियों की नियतों पर शक करें। मैं लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मैंने बाकी सबको अप्रिशिएट करते मैं कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से मैंने भी ज़ाती तौर पर ये देखा ना कि जो बंदा पिछले साल यहाँ पर किस हालत में आया था, किस सिचुएशन में आया था, फिर इस साल किस सिचुएशन में आया, ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा एक क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है कि जो इट्सेल्फ बताता है या कितना काम हुआ है या नहीं हुआ। आप लोग बहुत बेहतर जज हैं। 50,000 रुपए सऊदी अरब से एक कॉलर हैं और उन्होंने भी अतिया किए। जज़ाकअल्लाह। मेरे उन बंदे खुदा का 50,000 कम हो गया, इनकी दुकान पे 50,000 और लगा देंगे इंशाल्लाह और सामान डलवा देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, तो बस इसी दुआ के साथ इस सेगमेंट पर हम जाते हैं ब्रेक पर के बस ऑस्ट्रेलिया से भी 50,000 की डोनेशन है। हाँ बात करते हैं, आपकी बात करना बाबरकत साबित हो रहा है। तो 5 लाख तो पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखेंगे अगर जरूरत हुई
तो हम उस बंदे खुदा से पैसे लेंगे, वरना वो फिर किसी और ज़िमन में किसी और फैमिली के लिए खर्च हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका शुक्रिया, हमेशा आप मान रखते हैं, हमेशा मान बढ़ाते हैं, तो ये बड़ी जल्दी जल्दी माशाल्लाह मैं बात किया पूरा हो गया। जिंदाबाद सलाम। तो बस इसी दुआ के साथ, और आप लोग अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा और अपना तआवुन भी जारी रखिएगा। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।